हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी यूट्यूबर मीनाक्षी। फ्रेंड्स, तो हम लोग ये ऋषिकेश के में त्रिवेणी घाट है एक, वहीं हम लोग घूमने गए थे क्योंकि हम लोग यहाँ अभी 3 साल तक रुकने वाले हैं क्योंकि हस्बैंड की यहाँ ड्यूटी है। तो ये देखिए, ये तो हम लोग हो गया 1 हफ्ते से ज़्यादा ही घूमने गए थे, तो इसका मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा इसका एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, उत्तराखंड में पड़ता है और ऋषिकेश का ये बहुत ही गंगा जी है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, पहाड़ों के बीच में है गंगा माता, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग भी मेरे साथ देखो। तो फ्रेंड्स देखिए, बस इधर हम लोग वहाँ से मेन गेट से घुसने के बाद इधर गंगा जी ने थोड़ा सा हाथ जोड़ने के बाद इधर बैठ जाते हैं। आप लोग देखो गंगा जी कितना सुंदर लग रहा है, और पानी से भी बड़ा हुआ था, और पानी गंगा माता का तो बहुत ही ठंडा पानी था क्योंकि पहाड़ों के बीच से जो बर्फ़ ऊपर जमे रहते तो वो गल कर आते हैं। इधर थोड़ा देर तक हम लोग गंगा जी में बैठ जाते हैं। आप लोग देखो इधर पीछे से कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इधर हम लोग घूमना गंगा जी में थोड़ा सा बैठने के बाद इधर घूमना शुरू कर देते हैं। तो सोचते हैं पूरा घूम लेते हैं इधर गंगा जी का, क्योंकि मैं पहली बार, जब से मैं यहाँ थी तो पहली बार आई थी। तो आप देख लो इधर, ये देखो शंकर और पार्वती जी का फोटो, मतलब यहाँ फोटो भी अपना खींच रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। ये हम लोग दोपहर के टाइम में गए थे, और वैसे तो शाम के टाइम में आरती होती है, लेकिन ठंडे की वजह से हम लोग आरती नहीं देखे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और पहाड़ी के बीच में है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो कोई नहीं, गर्मी में जब मौसम अच्छा होगा तो हम लोग गर्मी में आरती का को जरूर देखेंगे। तो ये देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर है। अपने यहाँ बनारस में भी मंदिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ऋषिकेश से ही का भी गंगा जी बहुत ही सुंदर है क्योंकि यहाँ से ही गंगा जी का गंगा जी निकली थी। तो ये देखिए पहाड़ों के बीच गंगा जी बहुत ही सुंदर है, और बहुत लोग ही आए थे क्योंकि थोड़ा मौसम भी अच्छा था, धूप निकला हुआ था। तो ये देखिए पहाड़े कितना, अभी धूप अच्छे से हुई थी तो पहाड़ बहुत ही अच्छे से दिख रहा था, और इधर मेरे बच्चे लोग भी खूब मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इधर सूरज भी जो है थोड़ा सा धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, और इधर देखिए पहाड़ भी कितना सुंदर लग रहा है, और धूप भी आप लोग देख सकते हो कि पूरा पेड़ पे बहुत ही अच्छा खासा धूप पड़ रहा है, और गंगा जी कितना भी देखने में सुंदर लग रहा है, और पहाड़ियों के बीच में, और कुछ लोग नहा भी रहे थे, ऐसा नहीं है, गंगा जी तो ऑफकोर्स नहाएंगे तो ज़रूरी, लेकिन बस हम लोग इस तरह घूमने आए थे। फिर इसके बाद गर्मी में आरती की तैयारी हो रही थी, शाम के टाइम से आरती 6-7 बजे तक होती है, लेकिन ठंडे की वजह से हम लोग नहीं देख पाए थे, लेकिन घूम। तो फ्रेंड्स चलो, आप लोग भी एंजॉय करो मेरे साथ इधर गंगा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का, और बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो आप लोग देख ही सकते हो, तो आप लोग भी एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स इधर मैं थोड़ा सा सेल्फी लेने के लिए आ गई थी, तो ये देखिए ऊपर
सावर लगा हुआ था लेकिन उसमें चल नहीं रहा था। और इधर मेरे बच्चे लोग खिलौना लिए थे, उन लोग जहाँ भी जाती है तो खिलौने के लिए परेशान करती है, तो ये लोग मेरे फ़ोटो भी खींच रही थी और ये लोग अपना खिलौना दिखा रही थी कि मेरा भी खिलौना दिखा दो। ये मेरी बड़ी वाली बेटी है और छोटी वाली बेटी है। और धूप भी देख आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा खासा निकला है। और इधर पूरे भीड़ बहुत ही अच्छा खासा था क्योंकि धूप अच्छा निकला था। वैसे तो मौसम ख़राब होने से कम रहता लेकिन धूप बहुत ही अच्छी थी। तो फ्रेंड्स इधर बच्चे जो लोग खिलौना लिए, फिर उसके बाद हम लोग गंगा जी घूमने के बाद रूम पर आ जाते हैं। तो आप लोग बताना ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट आप लोगों को मेरे साथ घूमकर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।